गत 20/9/2022 को पुलिस द्वारा एक 198 नंबर मुकदमा थाना पिछोर में दर्ज किया गया था, जिसमें एक आरोपी की धरपकड़ की गई थी एवं तो दो पिस्टल बरामद किए गए थे। उसी मामले में हमने आगे बढ़ते हुए शहनवाज सन ऑफ यूसुफ निवासी नंगला सिरोली थाना कोसी कला को गिरफ्तार किया था 19 मई 2023 को, जिसकी आगे जिससे इंटरोगेशन के दौरान गुरुदेव सिंह पुत्र बराड़ को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था 26 मई को, और उसका 7 दिन का रिमांड लिया गया था, जो इसी रिमांड के दौरान हमारी टीम के द्वारा दोबारा से निशानदेही के लिए एवं जो औजार थे जो उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे, जिससे वेपन बनाए जाते थे, उसकी पकड़ करने के लिए दोबारा से वहां दबिश दी गई थी। तो जो आरोपी है उसके गांव पचौरी से हमें एक बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में हमें वहां से जो औजार, विभिन्न प्रकार के जो औजार आरोपी द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे, तो उनकी बरामदगी हुई है, साथ ही साथ उस जगह की निशानदेही हुई है, और साथ ही साथ हमें उसके द्वारा छुपाए हुए अन्य 7 पिस्टल एवं 7 मैगजीन जो है हमें बरामद हुई है। तो इस प्रकार से इस अपराध में अब तक की कुल रिकवरी 23 पिस्टल एवं 23 मैगजीन की हो चुकी है, और 3 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के इनके द्वारा जो औजार यूज किए जाते थे, उसमें जैसे कि कुछ लोहा, कुछ ग्राइंडर, हथौड़ी, संडासी, रेती लोहा, आरी, पेचकस, सुम्बा, चौसार, छेनी, सरिया, तो कच्चा भंगार, लोहा पत्ती इत्यादि, इस तरह के इनके द्वारा औजार इसमें काम में लाए जाते थे, और काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन जो कि पिस्टल, देसी पिस्टल की जो है इनके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, और काफी अधिक संख्या में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस गिरोह के बंडाफोड़ से एक, एक निश्चित तौर पर जो है अवैध हथियार की सप्लाई पर एक रोक लगेगी। जो प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है वो यह है कि इस गांव में काफी लोग इस तरह के काम में संलिप्त हैं, जो कि अपने अपने अलग अलग घरों में इसकी बनाकर उसकी अपने लेवल पे इनकी बिक्री करते हैं, और इन सभी के आगे आगे डीलर्स हैं, तो उसी के माध्यम से हम वहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि जो इनके सप्लायर थे वो पहले हमें, उनकी धरपकड़ की गई, और उसके बाद हमने बैक ट्रेस करके हमने यहाँ तक पहुंचे हैं सोर्स तक। हमारी लगातार पूछताछ जारी है कि अन्य किस किस को सप्लाई किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है किस किस को इन्होंने बेचा है। बट पुलिस हमारी इसमें सख्ती से पूछताछ कर रही है, और अभी 3 तारीख तक आरोपी का पुलिस रिमांड हमारे पास है, तो हम ये पूछ